ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਭੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੈਂਡਰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਸੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਜੈਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਉਸੀ ਮੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਨਕੇ ਜੈਸੇ ਦਾੜੀ ਮੋਚ ਚਾਹੀਏ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਮੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਥਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਐਡਰੈਸ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਨਾ ਆਪਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਨੇ ਗੰਦ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਸਕੇ ਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਐਸੇ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਤਲਬ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਾਨਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਝੇ ਜਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਨਕੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੋ ਕੋ ਲੜਕੇ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਕੀ ਚੀਜ਼ੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਲੋਕ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਡਾਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਸੇ ਗਲਤ ਇਫੈਕਟ ਪੜ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? यार देखो, कुदरत के साथ खिलवाड़ करने वाली अगर बात है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर लोग उनको क्यों नहीं देखते, फिर लोग रेप को क्यों नहीं देखते, एनिमल क्रुएल्टी को क्यों नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेरा मानना सिर्फ इतना सही है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो भी हमारा रिलेशन है, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं या शादी करने का डिसीजन लिया है, तो उसमें ना हम किसी थर्ड पर्सन को हार्म नहीं कर रहे। इनके घर वाले एग्री हैं, मेरे घर वाले एग्री हैं, उनके उनको पता है कि हमारी खुशियाँ मायने रखती हैं और हम दोनों के लिए भी हमारी खुशियाँ मायने रखती हैं। तो किसी थर्ड पर्सन को हमने हार्म नहीं किया, तो फिर कैसे कोई चीज़ नेचर के खिलाफ हो गई? और नेचर ने तो बोला ही नहीं, कभी टैग ही नहीं लगाया कि तुम लड़का हो के लड़की से प्यार करोगे या लड़की हो के लड़के से प्यार करोगे। प्यार तो किसी से भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम उसे कैसे निभा रहे हैं, कैसे आगे ले जा रहे हैं। डाउट होया कभी अपने आप पे? जब हम ये हिम्मत रखते हैं कि हमें सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखानी है, तो फिर हम उस चीज़ के लिए भी तैयार होते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स आएंगे ही आएंगे और हमें उसको कैसे टैकल करना है। उन्होंने देखा है कि लड़का लड़की की शादी हो रही है, आपने एकदम से उन्हें बोला कि नहीं भाई, मेरे को तो लड़की हूँ, मैं लड़की ही पसंद है और उसी के साथ शादी करनी है, तो उनके लिए भी ना वो चीज़ डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो एक टाइम उनको देना पड़ता है प्रॉपर, ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। तो वो मैंने एक टाइम उनको दिया और हाँ, आज के टाइम पे वो नॉर्मल है। कुछ लोग होते हैं ना बीच में, ऐसे आपको जानबूझ के पोक करते हैं या फिर आपकी सेक्सुअलिटी को लेके वो करते हैं कि अच्छी खासी लड़की हो, लड़के से शादी कर लो, अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो वो उस तरीके की चीज़ें रहती है। तो वो एक मेंटालिटी हम चेंज तो नहीं कर सकते, बट हाँ, उसके लिए कोशिश कर सकते। तो मैं इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। थोड़ी टॉम बॉय वाली लुक है ना, होर भी बहुत सारिया कुड़ियों के मैसेज आते होंगे, है ना, गल करना चाहती होनगियां तुहाडे नाल। कभी किसी ने रिप्लाई किया? जेलस नहीं होंगे? नहीं, ऐसे नहीं, मतलब वो दिक्कत है कोई भी, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको तो मैं इग्नोर ही करती हूँ, क्योंकि देखो, अगर हम किसी को सामने से रिप्लाई करेंगे उसके मन में कोई होप आएगी, तो उससे अच्छा है कि आप उसको इग्नोर करो, सामने वाला भी हर्ट नहीं होगा उससे। के लोगों ने बड़े कमेंट किए हैं हमारे रिश्ते के ऊपर, उसके चलने के ऊपर, कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, या फिर कुछ ऐसा भी कि हाँ बहुत जल्दी मतलब रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा चलने वाला नहीं है। तो वो चीज़ ना मुझे पर्सनली उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है अपना रिश्ता आगे ले जाने के लिए, क्योंकि वो मुझे मेरी ईगो पे मतलब हिट होती है कि नहीं, इसने ये चीज़ बोल दी कि रिश्ता चल नहीं सकता, तो अब तो मुझे चला के दिखाना है। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਰੋਕਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ? ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਦੋ? ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੀ ਹੂੰ, ਜਬ ਇਸ ਯੇ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਥੇ, ਉਨਮੇਂ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਕੁਛ ਦਿਖਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਥੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਥਾ ਜਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਥਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਸੇ ਮੇਰਾ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਹੈ ਮੁਝੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਬ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਕਿਸੀ ਸੇ ਵੀ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਸੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਦੂਸਰੋ ਕੀ ਕਿਉਂ ਸੁਣੋ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਵਾਲਾ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਭੀ ਸੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਾਂ ਸੌਫਟ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਤੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸੇ। ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਸ਼ਪੀਕਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਛੇੜ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੋਲਣੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ,
मतलब मुझे ना बर्दाश्त नहीं होती किसी की बात, तो मैं सुना देती हूँ। तो इनका लिटरली होता है कि मेरे हाथ पैर मुंह बंद करके ले आते हैं, तो नहीं बाबू तो कुछ नहीं कहेगी, तो किसी को कुछ नहीं कहेगी, और बोलने देना, इग्नोर करना, बट वो मेरे से नहीं हो पाता। और ये फैक्ट है कि अगर कुछ कह रहा हो ना कोई, तो इनका थोड़ा सा इतना निकल के आता है, इतना मैं उसका बेचारे का काम इधर उधर कर देती हूँ। फीलिंग्स की अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब लड़कों वाला जैसा जैसे चीज़ें हैं, लाइक मुझे कि मेरे को ऐसा लुक रखना पसंद है। एक्चुअली मेरे को तो स्टार्टिंग से ही फीलिंग आ गई थी इनके लिए, तो मैंने जस्ट नॉर्मली टिकटॉक पे इनका एक वीडियो देखा जो मुझे बहुत पसंद आया, इनके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे, तो मैंने बस वही मैसेज दे मतलब वही वीडियो देख के मैंने इनको इनके इन इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला वहीं के थ्रू। ऐसे बातें होती रही होती रही, तो वो पता नहीं एक दिन अचानक से ही मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कुछ, मतलब आई लव यू, ऐसे फ्लो फ्लो में निकल गया वो। उतने में उन्होंने फ्लो फ्लो में ऐसे आई लव यू बोला, और मैंने शर्मा के वीडियो कॉल ऐसे पलट के रख दिया फ़ोन, क्योंकि मुझे एकदम से एक्सपेक्ट नहीं था। तो वो वहाँ से फिर चीज़ें स्टार्ट हुई, तो उसके बाद भी इसका यही था कि शादी ही करनी है। मतलब मैं खुद को रोक रही थी कि मैं रिलेशनशिप में ना जाऊँ, मतलब ऐसे दिल था अंदर से, लेकिन मैं खुद को रोक रही थी क्योंकि जो लास्ट जो सीन हुआ था उस वजह से। पहला भी एक टॉम बॉय ने सीगर रिलेशन, हाँ जी हाँ जी, टॉम बॉय के साथ। एक्चुअली मेरा भी उस टाइम पे ब्रेकअप हुआ ही था, और वो जो ब्रेकअप हुआ था वो बहुत ही ज्यादा गंदा ब्रेकअप हुआ था। तो ना जो ज्यादा इनसिक्योरिटी के नू हुंदी आ, इनसिक्योरिटी हम में से किसी को नहीं है, बिकॉज आज हमारा रिलेशन यहाँ तक आ चुका है कि हम शादी करने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस है कि इन्हें कितने जाना, उन्हें भी कितने जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है कि इन्होंने कहीं नहीं जाना और मैंने कहीं नहीं जाना, तो नहीं है इनसिक्योरिटी। सत श्री अकाल, मैं हाँ थोड़े नाल जसप्रीत। हमेशा कुछ वक्रा लैके आने, अज भी थोड़ा कुछ वक्रा ही दिखावे, अज कुछ वक्रिया ही गल् हो। अज साढ़े मौजूद ने पायल बत्रा ते जशविका, इन्हां दी कहानी भी तुहानूं सुनाऊंगी एक किद्दां मिले आपस दे विच। सब तो पहला मैं ये दस देवां, इन्हां दा कहना है सोशल मीडिया ते किते भी देख लो, लव इज़ लव, प्यार प्यार है, वह कभी भी किसी भी जगह ते किसी नाल भी हो सकता। आ सारी गलबात करांगे, जशविका ते पायल दोनों विआह करवाण जा रहे ने, रोका हो चुका इन्हां दा, गलबात करदे आं इन्हां दी जिंदगी बारे। सब तो पहला बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। शुरू तो शुरू कर दी, थोड़े तो शुरू कर दी, मुंडिया वाली लुक का फीलिंग्स। फीलिंग्स की अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब लड़कों वाला जैसा जैसे चीज़ें हैं, लाइक मुझे उनके जैसे दाढ़ी मूछ चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि मेरे को ऐसा लुक रखना पसंद है, इतना ही बस। टॉम बॉय वर्गी लुक है ना, ये रखनी पसंद है, तो उदा कुड़ियाँ पसंद ने। हाँ जी। तो थोनू? मेरे को एक्चुअली लड़कियां पसंद है, लेकिन लड़कियों वाले लुक की लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे टॉम लुक ही पसंद है, तो बेसिकली इनको इसलिए भी पसंद करती हूँ मैं। बड़ी जल्दी तुसी हुण विआह दे बंधन विच बन जाना है ना, तो 4 साल हो गए रिलेशन नूं, किद्दां एक दूजे नूं मिले, किद्दां प्यार हुंदा है, किद्दां गल रोके ते पहुँचदी, घरदिआं कोल पहुँचदी, ते हुण फाइनली तुसी विआह करा रहे हो, ये कौन दसूगा? एक्चुअली हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे मिले हैं, टिकटॉक पे, जो अभी तो इंडिया में बैन हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमें मिले हुए। तो मैंने जस्ट नॉर्मली टिकटॉक पे इनका एक वीडियो देखा जो मुझे बहुत पसंद आया, इनके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे, तो मैंने बस वही मैसेज दे मतलब वही वीडियो देख के मैंने इनको इनके इन इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला वहीं के थ्रू। अच्छा। कि मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, क्योंकि मेरा भी उस टाइम पे एक ब्रेकअप चल रहा था जिससे मैं गुजर रही थी, तो पता नहीं मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि कोई रिप्लाई आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, बट लकीली इनका आंसर भी आया वहाँ से, और इन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि हाँ बताओ क्या बात करनी है, तो वहाँ से ये हमारी स्टोरी एक स्टार्ट हुई, तो तब से चल रही है कंटिन्यू। अच्छा, तुसी दस्या कि पहला रिलेशन सीगा, पहला भी एक टॉम बॉय ने सीगा रिलेशन। हाँ जी, टॉम बॉय के साथ। मुंडिया च इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, पसंद नहीं आया कभी। ते थोड़ा भी? हाँ जी, कुड़ियां ही पसंद ने। हाँ जी। अच्छा, जो जशविका तुहानू मैसेज करते हैं, तो फिर की सोच के अगे गल कंटिन्यू होंगी? एक्चुअली मेरा भी उस टाइम पर ब्रेकअप हुआ ही था, और बहुत गंदे वाला भी रिलेशन सीगा। एक साल पुराना होगा, तो और वो जो ब्रेकअप हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा ब्रेकअप हुआ था, तो मेरा उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मतलब ये सब बेकार चीज़ें हैं, प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, टाइम पास करो और सब बढ़िया है,
तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो मैंने इसका ना एक्चुअली जो जब इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो जो रिक्वेस्ट में मैसेज चला जाता है उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, लकीली इसका नोटिफिकेशन आया मुझे, तो मैंने नॉर्मली रिप्लाई कर दिया कि ठीक है हाय हेलो करते हैं और बस देखते हैं आगे क्या होगा। तो वो मैंने रिप्लाई कर दिया नॉर्मली, मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि आगे बातें होंगी या बातें होती जाएंगी आगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। नॉर्मली ही मैंने हाय हेलो की थी और नॉर्मली इसने मेरे से भी शुरू में हाय हेलो नॉर्मली की थी। अच्छा, कितने टाइम बाद ये चीज़ें फील होने लग गई कि ये इंसान बनया जिदे नाल मैं जिंदगी गुजारनी है, जो इन्हों तो फीलिंग्स होनी शुरू हो गई जो ये सोहने लगन लग गए? एक्चुअली मेरे को तो स्टार्टिंग से ही फीलिंग आ गई थी इनके लिए, बिकॉज मैंने इनकी ना काफ़ी सारी प्रोफाइल ना देख ली थी, सर्च किया था, तो मुझे पता नहीं एक वाइब्स आती है ना आपको सामने वाले से कि हाँ ऐसा कुछ है या आपको लाइफ टाइम यहीं पे इन्हीं के साथ स्पेंड करना है, तो मेरा वैसे आ गया था। और जब फर्स्ट टाइम हमारा एक दूसरे से बातचीत हुई, वैसे फ़ोन पे ही बात हुई थी, तो मैंने इनको सबसे पहले लोग नॉर्मली रिलेशन में जाते हैं टाइम स्पेंड करने की बातें करते हैं, रिलेशन को आगे चलाने की बातें करते हैं, बट मेरा वैसा नहीं था। मैंने सिर्फ इनको ये बोला था कि मुझे आपसे शादी करनी है। इन्होंने तो क्लियर करता कि मैं तो पहले ही पसंद सी, है ना? फिर तुहानू कदों लगता कि इस इन्हां दे नाल तुसी जिंदगी गुजार सकते हो, भी हुण जिहड़ा बंदा मिलिया आ, भावें पहला रिलेशन गंदा वाला ब्रेकअप होया सीगा, ते हुण जिहड़ा दूजा परसन मिलिया ये वधिया है। तो ये हुआ था कि जब बातें शुरू हुई थी हमारी, तो मतलब इनका शुरू में तो नॉर्मल बातें जैसे होती हैं वही बातें, एक दूसरे के बारे में पूछना ऐसी बातें हुई थी। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे किसी के साथ अब रिलेशनशिप में जाना है, ठीक है? लेकिन ऐसे ही जब कंटिन्यूसली बातें होती रही तो इसका ये था कि मतलब मेरे को शादी ही करनी है। अच्छा। हाँ, शुरू से ही कि हाँ कि मेरे पहले से नहीं, मतलब मैंने बताया ना जैसे शुरू शुरू में एक दूसरे को जानते हैं बातें होती, पहले वो बातें हुई, फिर जब आया कि नहीं रिलेशनशिप में जाना है तो शादी के लिए ही जाना है, मतलब शादी ही करनी है तो रिलेशनशिप में आना, नहीं तो नहीं आना। तो पहले तो मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा नहीं यार मेरे को पढ़ना ही नहीं अब इस पचेड़े में, मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा नफरत हो गई थी उस चीज़ से। लेकिन अब वो मतलब ऐसे बातें होती रही होती रही, तो वो पता नहीं एक दिन अचानक से ही मेरे मुँह से ऐसे निकल गया कुछ, मतलब आई लव यू ऐसे फ्लो फ्लो में निकल गया वो। अच्छा। तो वो वहाँ से फिर चीज़ें स्टार्ट हुई, तो उसके बाद भी इसका यही था कि शादी ही करनी है। आई लव यू पहला तुसी क्या? हाँ आसान तो इन्हें कर लिया थे, फिर प्रपोज तुसी करता। वो भी मैं बता रही हूँ ना फ्लो में, उस दिन दिवाली थी और रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब बात हम दोनों जैसे फ़ोन पे ही बात करते थे, वीडियो कॉल पे डेली रात को, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैं इसको मनाने के चक्कर में कि ये शायद गुस्सा होगी, तो वो गुस्से को मनाने के चक्कर में ऐसे फ्लो फ्लो में आई लव यू निकल गया मुँह से। सीखा होता ये समझ सकते, मतलब मैं खुद को रोक रही थी कि मैं रिलेशनशिप में ना जाऊं, मतलब ऐसे दिल था अंदर से लेकिन मैं खुद को रोक रही थी क्योंकि जो लास्ट जो सीन हुआ था उस वजह से। तो बस यही था, फिर निकल गया आई लव यू। अच्छा मैंने ये दसो, जदों तुसी तो पहले ही सोचा होया सीगा है ना, तो फिर जदों अग्गों रिस्पोंस आता बंदा कहता भी है ना, मतलब एक्साइटमेंट होंगी आ, तो किन्ने सैकेंड्स दे विच देख लिया सीगा मैसेज? मैंने एक्चुअली मैसेज नहीं देखा था, हम वीडियो कॉल पे बात करते थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि इनकी तरफ से क्या प्रॉब्लम थी, इनको कमिटमेंट देने में दिक्कत थी कि कमिटमेंट नहीं देना है, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब एक रिलेशन जो है ना उसको रिश्ता नहीं देना, कोई नाम नहीं देना, चल रहा है चल रहा है, अगर मेरा मन हुआ बात करने का तो हो रही है। और फिर सामने से इनका ऐसा भी आ रहा था कि मैं जो कॉस्ट्यूम बोलूँ, मैं जो कलर बोलूँ वो तुमको वेयर करना है, तो मेरा सूट्स वूट्स में ज़्यादा थाने का भी पहनने का, मैं वेस्टर्न ज़्यादा वेयर करती थी। तो दिवाली से कुछ दिन पहले इनका ये आया, जब भी थोड़ा नॉर्मल हो गए कि ते को एक ब्लैक कलर का सूट वेयर करना है, ऐसा ऐसा दुपट्टा पहनना है फिरोजी, और वो फोटो मुझे चाहिए दिवाली पे। तो मैं उस टाइम पे रुद्रपुर नैनीताल में जॉब करती थी बैंक में, तो मैं घर गई अपने एक दिन पहले और मैंने एट अ टाइम दिवाली के दिन अपनी मम्मी से वो स्टिच कराया विद इन हाफ आवर, क्योंकि इनको देखना था। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि यार उसने बोला है पहली बार तो मुझे करना है। तो वो वही सूट दिखाने के चक्कर में हमारा क्या हो रहा था, 9 बजे के बाद हमारी वीडियो कॉल चलती थी, बात कुछ नहीं होती थी, बस ये बंदे को वीडियो कॉल पर रहना होता था और मुझे उसे देखना होता था, और ये वीडियो कॉल में चलते चलते ये बंदा सो जाता था, नॉर्मली ये चलता था। तो उस दिन क्या हुआ, इनका मैसेज आया कि अभी हम लोग डांस वांस कर रहे हैं, पटाखे वटाखे चला रहे हैं, उसके बाद मैं वीडियो कॉल करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वो वेट करते 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 ना 11:30, 12 o'clock का टाइम हो गया 12 बजे का। तो मैं गुस्से में तो थी बट मैं थोड़ा डरती थी कि रिलेशन ना ख़राब हो जाए मैं कुछ बोल दूँ, तो मतलब तब तक मैं थोड़ा सा ऐसे डिसेंट बनने की कोशिश कर रही थी कि नहीं मैं तो बहुत बेचारी हूँ, मैं है डिसेंट नहीं हूँ, प्लीज़ मैं बहुत डिसेंट हूँ।
सो बस वही, मैंने जैसे वीडियो कॉल उठाया ना तो मैंने रिएक्शंस भी नहीं दिए, मैंने नॉर्मली था कि चलो ठीक है। मैं ऐसे बन रही थी कि भाई नहीं, मेरा लेवल थोड़ा लंबा हो गया, ऊंचा हो गया, क्योंकि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, डांटा भी नहीं है। तो इनका ना सामने से सॉरी 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 लेट हो गया ये करके मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। उतने में उन्होंने फ्लो फ्लो में ऐसे आई लव यू बोला और मैंने शर्मा के वीडियो कॉल ऐसे पलट के रख दिया फ़ोन, क्योंकि मुझे एकदम से एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि ये कुछ भी नहीं बोलते थे किसी भी चीज़ के बारे में, कभी कोई बात ही नहीं करते थे। तो वो इनका वैसा था फ्लो फ्लो में, तो मुझे लगा चलो ठीक है अब तो बात आगे बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, किन्ने महीने बाद ये प्रपोजल होया सीगा? ये देखो बात, एक चीज़ बताना भूल गए हम आपको, बात हमारी स्टार्ट हुई थी जून में, फिर बीच में गैप आ गया था। कुछ महीनों का गैप आ गया था, लगभग 5-6 महीनों का। फिर दोबारा बात स्टार्ट हुई थी हमारी अक्टूबर में शायद, हाँ अक्टूबर में। तो आप ये लगा लो कि हो गए ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद की बात होगी। अच्छा, फिर उत्तर डिसाइड, अच्छा पहले डिसाइड सीगा है ना थोड़ा कि ब्याह ही कराना, रिलेशन होंगे तो सीधा ब्याह। तो वो जो आई लव यू तुम कहता है ना, उदो दिमाग च सीगा कि इन्होंने तो ब्याह करवाना? नहीं नहीं, उस टाइम फिर बात तो बंदे याद आता, फोन कट हो गया था, मतलब कट कर दिया था दोनों ने एक दूसरे। फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ा नॉर्मल हो गया, फिर दोबारा कॉल किया, फिर थोड़ी सी सीरियस चीज़ें हुई, फिर मैंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरे को कमिटमेंट से डर लगता है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम रिलेशनशिप में आओ फिर यू नो ब्रेकअप हो जाए। तो मैं सारी ज़िंदगी ये नहीं करना चाहती, अगर अब कोई भी रिलेशनशिप होगा मेरा तो मेरा वो फाइनल ही होगा और वो शादी तक ही जाएगा। कि मैंने इसको ये बोला कि अभी तो तू शादी शादी कर रही है लेकिन ये इतना भी ईजी नहीं है, तो उस हिसाब से चीज़ें चल रही थी। तो फिर वहाँ पर जाके सीरियस बातें हुई, फिर वहाँ से रिलेशन हमारा एक सीरियस नोट पे स्टार्ट हुआ कि ठीक है। और बता दूँ मैं इसके बारे में, जब हमारे रिलेशनशिप पे कमिटमेंट आई इनकी तरफ से बेसिकली, बिकॉज मैं तो पहले से श्योर थी कि हाँ जाना ही है, उस टाइम पे ये आईलेट्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, इनको बाहर जाना था। तो जब इस चीज़ पे बहुत सीरियस मोड में हमारी बात हुई कि हाँ रिलेशनशिप रखना है, आगे बढ़ना है रिलेशन में, शादी वाली बात भी हुई, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि आईलेट्स का मैं कर रही हूँ तो मुझे बाहर जाना है। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है आप बाहर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं अभी तू ये चीज़ बोल रही है, लेकिन अगर मैं चली गई उसके बाद तू नहीं रह पाएगी। तो मैंने बोला कि आप जाके देख लो फिर एक बार। तो ये मुझे पता नहीं था कि बंदा वाकई में इतना सीरियस ले जाएगा इस बात को कि हाँ मुझे यहीं रहना है, साथ में रहना है। उसके बाद इन्होंने अपनी आईलेट्स वहाँ से छोड़ दी, इन्होंने बाहर जाने वाली बात ही छोड़ दी कि मुझे बाहर जाना ही नहीं, तक नहीं की थी नहीं। उसके बाद वो आज तक आईलेट्स वाली बुक कहीं धूल खा रही है हमारे रूम के स्टोर में, इन्होंने उठा के नहीं देखा उसको। और फाइनली वो एक रिलेशनशिप में कमिटमेंट आई कि हाँ साथ रहना है। वैसी वाली थोड़ी टॉम बॉय वाली लुक है ना, होर भी बहुत सारिया कुड़ियों के मैसेज आते होंगे है ना, गल करना चाहदियाँ होनगियाँ थोड़े नाल, कभी किसी ने रिप्लाई किया? एज ए फैन अगर कोई आती है तो उसको कर देती हूँ, लेकिन अगर कोई जेलस नहीं होंगी? नहीं ऐसे नहीं, मतलब दिक्कत है कोई भी, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको तो मैं इग्नोर ही करती हूँ, क्योंकि देखो अगर हम किसी को सामने से रिप्लाई करेंगे उसके मन में कोई होप आएगी तो उससे अच्छा है कि आप उसको इग्नोर करो, सामने वाला भी हर्ट नहीं होगा उससे, उसको एटलीस्ट ये होगा कि रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। तो ये वाली चीज़ है। तो मुंडिया के बहुत आते होने कमेंट, थोड़े बहुत आते हैं। हाँ मैं इग्नोर ही मारती हूँ यार, मैं ज़्यादा कुछ इस पर रिस्पॉन्स ही नहीं करती, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती हूँ तो लोगों को पता है कि रिलेशन क्या है। अब कुछ लोग होते हैं ना बीच में ऐसे आपको जानबूझ के पोक करते हैं, या फिर आपकी सेक्सुअलिटी को लेके वो करते हैं कि अच्छी खासी लड़की हो, लड़के से शादी कर लो, अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो वो उस तरीके की चीज़ें रहती है। तो वो एक मेंटालिटी हम चेंज तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसके लिए कोशिश कर सकते, तो मैं इग्नोर करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। अच्छा जो कदम ब्याह वाल वधदे ने ते परिवार वालिया ना, ओबियसली सानू सब तो पहला परिवार वालिया नू दसना हुंदा है ना, फिर जो तुसी अपनी फैमिली नू दसदे दोनों जाने तो परिवार वाले ईजली मन जाते ने? हाँ जी, उनको क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये तो चलो एक LGBTQ कपल है, अगर एक स्ट्रेट कपल भी होता है, लव मैरिज होती है, तो अपने बच्चों के बारे में सबको पता होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है या क्या नहीं है, वो बस ये होता है कि वो खुद से बताए हमें। तो हमारे भी घर वालों को शुरू से ही पता था कि हम क्या हैं और हमारा इंटरेस्ट जो है वो किस में है, तो बस वो भी वेट कर रहे थे कि हम लोग खुद से बताएं आगे आके, तो हमने बता दिया, उन्होंने इजीली एक्सेप्ट कर लिया। इन्हां दे पेरेंट्स
मेरे फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में मेरी मदर को लेके, बिकॉज मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर 2005 में एक्सपायर कर गए थे, तो मेरी मदर ही हैं और वो भी विलेज से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ की जो जहाँ पे मेरा होम टाउन है वहाँ पर थोड़ी सी मैंटेलिटी लोगों की वैसी है नहीं, उनको ये है कि एक बायोलॉजिकल बंदा और एक बंदी बस एक लड़का लड़की ही शादी कर सकते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। बट मेरा स्टार्टिंग से क्या था ना कि मुझे बस अपने घर वालों में अपनी माँ को मनाना है, मुझे रिश्तेदारों से और नेबर से उनसे कोई लेना देना था नहीं, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को कन्विंस करने की कोशिश की, जिसमें मुझे 2-3 महीने 4 महीने लगे और मतलब वो हुई कन्विंस, क्योंकि होता क्या है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ इन चीज़ों को, अपने ब्लॉग्स में भी बोलती हूँ कि जब भी आप एकदम से किसी चीज़ के लिए बताते हो ना, जैसे हमारा रिलेशनशिप था तो हमें भी लगे ना उसमें 25-26 साल जानने में कि हमें क्या पसंद है, एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, तो सेम थिंग क्या होती है हमारे पेरेंट्स के साथ भी वही होती है, उन्होंने देखा है कि लड़का लड़की की शादी हो रही है, आपने एकदम से उन्हें बोला कि नहीं भाई मेरे को तो लड़की हूँ मैं, लड़की ही पसंद है और उसी के साथ शादी करनी है, तो उनके लिए भी ना वो चीज़ डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो वो एक टाइम उनको देना पड़ता है प्रॉपर ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए, तो वो मैंने एक टाइम उनको दिया और हाँ आज के टाइम पे वो नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्मल है। फाइल एक सवाल थोड़े लिए, जदों असी कुछ समाज तो हट के करते हैं ना, समाज नू उन्हें एक्सेप्ट करना भी औखा ही हुंदा, हजम नहीं हुंदिया है ना, वह चीज़ा कह लिए असी, तां जदों ये गल्लां असी सोचते हाँ कितें ना कितें अपने च भी आउंदा असी वी असी की कर रहे हैं, जो असी कर रहे हो वह सही आ, जे जां आपां ये भी सोच लैंदे हाँ कि समाज की कहूगा है ना, लोग की कहणगे, वह कदी दोनों के दिल च गल आई कि जे असी विआह दा डिसीजन लै रहे हाँ जां असी विआह दे बंधन विच बद्ध रहे रोका करवा रहे हैं है ना, कितें लोग तो नहीं कुछ कहणगे, जे कहिंदे आ तां फिर उन्हूं किद्दां रिएक्ट कर दो। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, जब इस ये वाले रिलेशन से पहले जो मेरे रिलेशनशिप थे उनमें मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था कि सोशल मीडिया पे कुछ दिखाना है, वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता था या डर लगता था ये समझ लो, लेकिन जब से मेरा इसके साथ रिलेशन हुआ है, इसने आप ये समझ लो हिम्मत दी है मुझे या कुछ भी समझ लो, मतलब मेरे को अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी, ना समाज से ना कोई कुछ भी बोले, हम दोनों को ज़िंदगी जीनी है तो हम दूसरों की क्यों सुने फिर, तो यही चीज़ है। जशविका एक सवाल, बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़े ने, मतलब कोई भी अपा है ना परसन ला लिए, तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि कुदरत नाल ना खिलवाड़ करो है ना, तो उस चीज़ को किदा देख दो तुसी? यार देखो, कुदरत के साथ खिलवाड़ करने वाली अगर बात है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर लोग उनको क्यों नहीं देखते, फिर लोग रेप को क्यों नहीं देखते, एनिमल क्रुएल्टी को क्यों नहीं देखते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मेरा मानना सिर्फ इतना सही है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो भी हमारा रिलेशन है, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं या शादी करने का डिसीजन लिया है, तो उसमें ना हम किसी थर्ड पर्सन को हार्म नहीं कर रहे, इनके घर वाले एग्री हैं, मेरे घर वाले एग्री हैं, उनके उनको पता है कि हमारी खुशियाँ मायने रखती हैं और हम दोनों के लिए भी हमारी खुशियाँ मायने रखती हैं, तो किसी थर्ड पर्सन को हमने हार्म नहीं किया, तो फिर कैसे कोई चीज़ नेचर के खिलाफ हो गई, और नेचर ने तो बोला ही नहीं, कभी टैग ही नहीं लगाया कि तुम लड़का हो के लड़की से प्यार करोगे या लड़की हो के लड़के से प्यार करोगे, प्यार तो किसी से भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम उसे कैसे निभा रहे हैं, कैसे आगे ले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, देखो ये तो उनकी अपनी मानसिकता है। अच्छा, मुंडिया वाली थोड़ी जी लुक है ना, तो कभी बदमाशी की? बदमाशी नहीं, ऐसे कभी की नहीं, कभी नहीं की। वो चीज़ आती जी मुंडिया वाली अणख होंगी है ना कि आप कर देंगे वो कर देंगे, मेरा ऐसा वाला नेचर नहीं था कभी से भी, मतलब लड़ाई झगड़े से मेरे को, हाँ सॉफ्ट नेचर है मेरे को, बहुत दूर ही रहती हूँ लड़ाई झगड़े से। बाहर कभी निकलते हो तो यशविका नु जो कोई छेड़ दे तो फिर मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना मेरे को, वो इधर से पहले ही जवाब आ जाता है। मैं गलत सवाल तो पूछ लिया, इन्होंने पूछना चाहिए सिगा है, तुसी कर दे हो? हाँ, अगर मतलब मेरा तो एक्चुअली ये हुआ था कि हम पहली बार जब हम मिले थे, हमारा फर्स्ट मीट हुआ था हरिद्वार में, मुझे मिलने आए, तो जैसे ही हम अड़की पौड़ी वाले रास्ते से निकले, बहुत क्राउडेड एरिया है, तो ऐसे बंदे जैसे देखता हुआ निकले, कोई कुछ करता हुआ निकले, तो मैं इस चीज़ को लेकर शुरू से ना बहुत अग्रेसिव हूँ, मतलब मुझे ना बर्दाश्त नहीं होती किसी की बात, तो मैं सुना देती हूँ, तो इनका लिटरली होता है कि मेरे हाथ पैर मुँह बंद करके ले आते हैं, तो नहीं बाबू तू कुछ नहीं कहेगी, तू किसी को कुछ नहीं कहेगी, और बोलने देना, इग्नोर करना, बट वो मेरे से नहीं हो पाता, और ये फैक्ट है कि अगर कुछ कह रहा हो ना कोई, तो इनका थोड़ा सा इतना निकल के आता है, इतना मैं उसका बेचारे का काम इधर उधर कर देती हूँ। पर मैं ये मोस्टली देखा है जो कोई कमेंट आता है या कोई कुछ कह के जाता है, पर छड़ दे तुसे दोनों नहीं है, चाहे लाइव हो चाहे तुम वीडियो पानी पे, पर तुसे एकदम बड़ाक के बोल दो। देखो कई जगह होता है कि इग्नोर कर दें तो ठीक है, कई जगह तो बहुत ज़्यादा अति हो जाती है कि नहीं अब हद से पार जा रहा है, तो फिर वहाँ पर जवाब देना ही बनता है, नहीं तो लोगों को लगता है कि इनको कुछ कहना नहीं आता, तो वहाँ पे फिर जवाब देना बनता है, तो इसलिए जवाब दे देते हैं कभी कभी, कि लोग भूल ना जाए कि इनको जवाब देना भी आता है। छोटियाँ छोटियाँ गल्ला और पूछूंगी, अग्रेसिव कौन है ज़्यादा? मैं तो नहीं हूँ। मैं हूँ थोड़ी अग्रेसिव। अच्छा, रुसदा कौन है?
जो अग्रेसिव होता वही रोस्ता है। मनोंदा कौन है? मनाती मैं ही हूँ हमेशा। मनाती हूँ हमेशा मैं हूँ। दूसरे को मना लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसके पीछे भी एक हमारी ना, हमने एक रूल बना रखा है। मैं चाहूँगी कि जो कपल्स हैं, स्ट्रेट हो या कुछ भी हो, वो इसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हमने एक रूल ये बना रखा है कि हमने किसी भी रात ना लड़के नहीं सोना। लड़ाई जितनी मर्जी हो जाए रात के 12 बजे 1 बजे, लेकिन एक दूसरे को मना लेना है। जब सुबह उठे ना तो वो रात वाली बात वहीं ख़त्म हो चुकी हो। तो हमारा वैसा रूल है, लड़ाई कितनी भी हो एक दूसरे को मना के उसके बाद सोएंगे, फिर नॉर्मल हो जाता है सारा सब कुछ। जे सारे रिलेशन इवें होने ना तो लड़ाइयाँ मैं लगता खत्म होनी। वधिया वधिया मैसेज है भी, जे तुहाडी लड़ाई हो जाती है ना तो सोने तो पहले सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि सवेरे उठ के तो सॉर्ट आउट हो ही जानी होती। इनको आगे से ये भी बोल रखा है कि जिस दिन आप बिना लड़ाई सॉल्व किए हुए मैं या आप सो गए ना, तो आप ये सोचना कि उसके अगले दिन रिश्ता खत्म है। तो कहीं ना कहीं बंदे को वो चीज भी खाती है। तो ना जो ज्यादा इनसिक्योरिटी केनु हुंदी है? इनसिक्योरिटी नहीं, नहीं नहीं, इनसिक्योरिटी हम में से किसी को नहीं है, बिकॉज आज हमारा रिलेशन यहाँ तक आ चुका है कि हम शादी करने जा रहे हैं। उन्होंने एक कॉन्फिडेंस है कि इन्हें कितने जाना, उन्हें भी कितने जाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है कि इन्होंने कहीं नहीं जाना और मैंने कहीं नहीं जाना, तो नहीं है इनसिक्योरिटी। जो अपना जिदा तुसी कहा मैं पहला नहीं सी अपने रिलेशन नु सोशल किया तो बारे में किया है ना, जो आप सोशल करते हो कोई चीज़ा, बहुत सारे लोग इतराज़ करते, जिदा मैं पहला भी गल की है ना, नैगेटिव कमेंट्स जोड़े आते उन्होंने इंपैक्ट होंगे। कभी कभी इदा दिल च आया कि डाउट होया कभी अपने आप से? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। जब हम ये हिम्मत रखते हैं कि हमें सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखानी है, तो फिर हम उस चीज़ के लिए भी तैयार होते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स आएंगे ही आएंगे और हमें उसको कैसे टैकल करना है। तो इस चीज़ का हमें कभी भी इम्पैक्ट नहीं हुआ कि वो हम पे हावी हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो नैगेटिव कमेंट्स होंगे थोड़े पर इंपैक्ट होंगे? नेगेटिव कमेंट का मेरे पे बड़ा पॉजिटिव सा इफेक्ट पड़ता है। वो ऐसा कुछ कि लोगों ने बड़े कमेंट किए हैं हमारे रिश्ते के ऊपर, उसके चलने के ऊपर, कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा, या फिर कुछ ऐसा भी कि हाँ बहुत जल्दी मतलब रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा चलने वाला नहीं है। तो वो चीज़ ना मुझे पर्सनली उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है अपना रिश्ता आगे ले जाने के लिए, क्योंकि वो मुझे मेरी ईगो पे मतलब हिट होती है कि नहीं इसने ये चीज़ बोल दी कि रिश्ता चल नहीं सकता, तो अब तो मुझे चला के दिखाना है, तो अब तो मैं चला के दिखाऊंगी और मैं इसको आगे ले जाके दिखाऊंगी। तो मैंने उस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को हमेशा पॉजिटिवली लिया है कि अगर इसने बंदे ने ये मेरे रिश्ते पे इल्ज़ाम लगाया है तो मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते के लिए एक पॉजिटिव चीज़ हुई है। नैगेटिविटी की जो असं गल करते हैं ना, कई बार इन्नी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग हार्म करते, थ्रैट करते हैं, है ना, धमकियाँ तक देंगे, कभी इदा हुआ? हाँ, एक बार हुआ था ऐसा, एक कमेंट आया था कि मैं आपका एड्रेस निकाल के ना आपके घर तक पहुंच जाऊंगा, ये जो आपने गंद फैलाया हुआ ना इसके लिए। तो उसका भी हमने रिप्लाई दे दिया था ब्लॉग में। तो बस उसके बाद कुछ आया नहीं ऐसा। तो ऐसा मतलब यार डरना क्यों है किसी चीज़ से, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। जब हम कुछ गलत करेंगे तो फिर हम डरेंगे, जब हम कुछ गलत ही नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों डरें, किस चीज़ से डरें। और हमारे यहाँ का लॉ आई थिंक इतना तो स्ट्रांग है कि कुछ भी ऐसी बात होती है तो हम उस चीज़ के लिए लड़ सकते हैं या फाइल कर सकते हैं। ये तो जिदा इन्होंने कहा भी है ना गंद पाया, इदा दे होर कमेंट्स आते ने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपको देख के हमारे घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, या आपको देख के ये चीज़ें वो हो रही हैं, आपको देख के स्ट्रेट लोग अपने आप को मतलब LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड मानने लगे हैं कि भाई मुझे जान पूछ के लड़कियाँ, उनको लग रहा है कि मुझे लड़कियाँ ही पसंद है या लड़कों को लड़के पसंद है। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, वो लोग कहते हैं कि ये बंद करो, वीडियोज़ डालना बंद करो, और इससे गलत इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बच्चों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आ ही रही हैं कंटिन्यूटी में, क्योंकि अगर 100 लोग मतलब आप मानो कि अगर 70 लोग हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 25-30% ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं से हेट निकालेंगे। वो ग्रंथ पुराण को बीच में लेके आएंगे, धर्मों को बीच में लेके आएंगे, नेचर वाली बात बीच में लेके आएंगे, तो काफ़ी चीज़ें लेके आते ही रहते हैं यार। पहले एक सवाल तो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि जो आप जिदा हूँ तुम मुंडिया वांगू रहने हो, तुहाड़ी फीलिंग जी है वो तो कुड़ियाँ पसंद ने, है ना, तो आप होर भी बहुत सारे लोग देखे वो अपना जेंडर चेंज करवा लेंगे, तुम कभी इदा नहीं सोचा? नहीं, मेरे को कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई, मतलब मैं अपनी बॉडी से सेटिस्फाइड हूँ, जैसी मेरी बॉडी है मुझे उसी में ही रहना पसंद है। मेरा कोई ऐसा आगे भी फ्यूचर में भी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को अपनी बॉडी से कोई भी छेड़छाड़ करनी हो या कुछ भी चेंज करवाना हो, नहीं करवाना कभी। तो वो मानते हैं कि है ना आत्मा गलत शरीर के, तुम ये मानते हो कि सब कुछ सही है बस ब्याह हो जाए? हाँ, सब कुछ सही है बस शादी हो जाए। अच्छा, एक सवाल लास्ट तुम्हें ये पूछूंगी कि जिदा तुम हम ब्याह कराओगे तो तुम ऑफिशियली नहीं मनाया जाऊगा, है ना, जिदा आप पहला भी गल की, तो उस गल का कित दुख हैगा कि नहीं सैटिस्फाई हो?
यार देखो, दुख तो कहीं ना कहीं है ही उस चीज़ का कि लीगलाइजेशन नहीं है, आप कहीं पे किसी डॉक्यूमेंट पे वाइफ ऑफ नहीं देख सकते, वो चीज़ें तो हैं ही, और उसके लिए फ़ाइट भी चल रही है, बहुत सारी पिटीशंस भी फाइल हो रखी हैं हाई कोर्ट में, तो उसके लिए फ़ाइट चल रही है, लेट्स सी क्या होता है, और हो सकता है इन फ्यूचर हम भी एक पिटीशन फाइल करें अपने मैरिज को लेके। क्योंकि होता क्या है ना, बेसिकली देखो मेरा मानना ये है कि बेसिकली हमारा प्यार किसी टुकड़े का मोहताज नहीं है कि वहीं पर मैं इनकी वाइफ ऑफ देखूँगी तो मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। बट अगर आप एक प्रैक्टिकल चीज़ की तरह देखो, जैसे दो हस्बैंड वाइफ है तो बहुत सारे राइट्स होते हैं लीगली वाइफ के। सपोज दैट मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ के इनके साथ रह रही हूँ, उनकी फैमिली के साथ रह रही हूँ, कल के टाइम कोई भी मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो पीछे से देखने वाला कौन है? तो वो एक लीगलाइजेशन ज़रूरी है, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए हो, चाहे वो राइट्स के लिए हो, तो वो एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी अपन फाइट करेंगे आगे जाके आफ्टर मैरिज। चलो साडियां दुआवां कि तुहाडा व्याह हो जाए जल्दी जल्दी, ते तुसी ब्लैसिंग्स ने तुहाडे फ्यूचर दे लई। बहुत बहुत शुक्रिया गलबात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो जी, ये सी साडे नाल यशविका ते पायल बत्रा। सो इन्हां नूं दुआवां ने, इन्हां दे नवीं जर्नी इन्हां ने हुण शुरू करनी आ। सो साडी इही दुआ है कि परमात्मा हमेशा इन्हां नूं चढ़दी कला विच रखे। अजिहियां होर इंटरव्यूज देखण दे लई देखदे रहो साडा चैनल। मैनूं दिओ इजाज़त। सत श्री अकाल।